हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हर्षिका एंड यस इट्स डे 38 एंड मैं प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर सीए फाइनल ग्रुप 2 नवंबर 2022 अटेम्प्ट। तो डे 38 पे मैंने क्या पढ़ाई की मैं वो आपसे डिस्कस करूँगी एंड इधर भी जो मेरी वीडियोज़ थी जो पढ़ाई से रिलेटेड थी, मतलब जो मैंने शेड्यूल जैसा मैं डे वाइज डालती हूँ नवंबर तक का जो मेरा प्लान है, जो मेरा टारगेट है कि हाँ कंप्लीट करना है, तो वो सारी वीडियो कुछ दिन से नहीं आ रही थी। तो रीज़न बिहाइंड दैट कि यस मैं पढ़ नहीं रही थी, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो ऐसी अपडेट नहीं की। बट मैंने जो किया है तो आज मैंने जो किया है वो मैं आपको बता दूं। तो मैंने क्या किया है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्योंकि बजटिंग का लास्ट जो लेक्चर था उसमें करीब 1.5 घंटे की लेक्चर थी, तो मैंने 1 घंटे का लेक्चर पहले कर रखा था, आधे घंटे का आज किया। उसमें कुछ नहीं, केस स्टडीज सर ने करवाए हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट किया है। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सर ने पहले तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं कराया, बस ऐसे एग्जाम्पल लेके उसका मतलब क्या है, फॉर्मूले सारे लिखवाए हैं, मटेरियल का हो गया। एंड उसके बाद मटेरियल का सर ने एग्जाम्पल करवाया, उसके बाद सर ने लेबर वेरियंस कराए एंड उसके बाद ओवरहेड। मैंने एक्चुअली इसमें जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी लेक्चर नहीं है, 1 घंटे अभी तक मैंने जितनी भी लेक्चर की हैं वो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1.25 घंटे ऐसी की लेक्चर्स थी। एंड मेरे लेक्चर जो हैं वो 65 लेक्चर तक हो गए हैं एंड टोटल नंबर ऑफ क्लासेज जो हैं वो 72 हैं। तो फाइनली जो है मैं अब अपनी SCMP की क्लासेस को कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड यस, कोई मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैम SCMP के लिए कैसी नोटबुक बनानी है, तो मैंने ये नोटबुक बनाई है एंड सेम नोटबुक का मतलब इतनी ही साइज़ में एक नोटबुक कंप्लीट हो गई है एंड दिस इज सेकंड वन। तो सेकंड वन में भी देखिए आप इतना कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने बताया था कि 2 नोटबुक में SCMP की सारी क्लासेस हो जाएंगे एंड इसमें मैंने जो है SCMP के क्वेश्चन भी लिखे हैं एंड प्रोविज़न दोनों किया है, प्रोविज़न के लिए अलग एंड क्वेश्चन के लिए अलग, ऐसा नहीं किया। तो इस तरह से 2 नोटबुक आप बनाएंगे 50-60 पन्नों की, तो 2 नोटबुक में आपका SCMP का पूरा हो जाएगा। तो बाकी तो SCMP का अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें SCMP के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए जाएंगे। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं, पहले तो मुझे, मैं ओल्ड सिलेबस में थी तो मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा टफ लगता था एंड मैंने कभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वहाँ पढ़ी नहीं, मैं हमेशा छोड़ के जाती थी। तो बट इस बार जो है मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ के नहीं जाऊंगी, उसको पढ़ के जाऊंगी, क्योंकि अभी तक जितने सर ने एग्जाम्पल कराए हैं उससे तो लग रहा है कि जैसा समझाया है मतलब ठीक लग रहा है, ऐसा भी कुछ ओवर हेड कराया बट ओवर द हेड नहीं गया, कुछ ठीक है समझ में आ गया था। एंड इसके अलावा मैंने कोई भी और सब्जेक्ट लिया नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता, इसी में हो गए थे 3-4 घंटे तो ऑलमोस्ट हो ही गए थे इसको क्लासेस करते करते। तो अब मैं मेरे जो जितने नंबर ऑफ लेक्चर बचे हैं, दैट इज़ अ 7 लेक्चर बाकी है मेरे एंड 7 लेक्चर के बाद मेरा SCMP का लेक्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली SCMP जो है वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इसी लेक्चर्स की वजह से क्लासेस करनी रहती हैं, लेक्चर करनी रहती, इसकी वजह से सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पाती थी एंड जितना कुछ भी टाइम मिलता था मुझे पढ़ाई करने का तो वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर कंप्लीट करने में ही पूरा टाइम निकल जाता था। तो अब जब बहुत 6-7 लेक्चर बाकी हैं एंड मेरा टारगेट भी था कि मिड ऑफ अगस्त तक मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी, तो आई होप कि ये हो जाएगा अभी नेक्स्ट 2-3 डेज़। वैसे भी 2 दिन पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि रक्षाबंधन है तो फिर घर जाना है एंड फिर वो सारा टाइम है थोड़ा सा, तो कल परसों तो वैसे भी नहीं हो पाएगी पढ़ाई, तो 1-2 दिन फिर 15 अगस्त तक फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मेरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाए एंड मैं इसको फाइनली पैकअप करूँ लेक्चर्स को एंड उसके बाद मैं कुछ और भी स्टार्ट कर सकूँ। क्योंकि अभी तक मैंने DT में इनिशियली DT स्टार्ट किया था, IDT स्टार्ट किया था, बट बीच में जब मुझे एकदम बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रेस आने लगा कि नहीं अगर लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए तो फिर बाद में हो भी नहीं पाएंगे, कि बहुत स्ट्रेस आएगा कि जो पढ़ा है वही कंप्लीट करें, अब लेक्चर्स करने का टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने बहुत स्ट्रेस देके लेक्चर्स को कंप्लीट करने किया एंड अभी 7 लेक्चर बाकी है एंड इसके बाद जो मेरा स्ट्रेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पे होगा, उसके बाद तो मैं किसी भी का कोई भी लेक्चर नहीं देखने वाली। तो DT, IDT एंड SCMP मैं सेल्फ स्टडी करूँगी एंड इकोनॉमिक लॉ तो वो मैं लास्ट मंथ में करूँगी, मतलब अक्टूबर में मैं उसको स्टार्ट करूँगी, करना अभी से नहीं करूँगी। तो फिलहाल अभी मेन फोकस यही DT, IDT एंड SCMP रहेगा, सेल्फ स्टडी तो फिर जैसा मैं शेड्यूल करूँगी, जैसा प्लान करूँगी वो सब मैं आपको बताऊँगी क्या यस मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो दिस वॉज ओवरऑल अपडेट फॉर माई स्टडी कि मैंने आज क्या किया एंड 3-4 दिन जो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया वो भी मैंने बता दिया और जो कल परसों टाइम नहीं पढ़ पाऊंगी वो भी मैंने बता दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।